नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज ये कहानी है दो मित्र की कि कैसे एक बर्बाद हो गया और दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिया। गांव से दिल्ली काम करने आते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में दोनों का जॉब लगता है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। 50-50 हज़ार का नौकरी दोनों को मिलता है। लगभग 30 हज़ार रुपये पर मंथ खर्च हो जाता है दोनों का जीवन यापन करने में और 20 हज़ार रुपये पर मंथ बचता है। अभी जो रहते हैं ऑफिस है उसके बगल में ही फ्लैट ले लिए हैं, दोनों मिलके रहते हैं, 5-5 हज़ार रुपये रेंट जाता है। जैसे ही 1-2 महीना हुआ नौकरी, पहले मित्र ने क्या किया, 20 हज़ार रुपये उनको बच रहा था, और जब 20 हज़ार रुपये पर मंथ बच जाए तो हाथ में खुजली होने लगता है, कीड़ा काटने लगता है। तो ऑफिस से 40 किलोमीटर दूर संडे को देखने के लिए गए और एक प्लॉट रजिस्ट्री कर दिए। तो इतने पैसे में तो होगा नहीं, तो लोन ले लिया। ईएमआई 21 लाख का लोन ले लिया और मात्र 20 हज़ार रुपये पर मंथ ईएमआई जा रहा है। इतना ही पैसा बचता था, यहाँ पे देख लेते हैं। 21 लाख रुपया का लोन लिया, इतना में प्लॉट उनको आ गया रजिस्ट्री वगैरह करने के बाद। 20 साल तक ईएमआई चलेगा, 10% के हिसाब से लोन मिला, ज़्यादा ब्याज नहीं देना पड़ा। क्यों? अच्छा नौकरी है, ब्रांडेड कंपनी में नौकरी करते हैं, तो यहाँ जो है मात्र 10% पे लोन मिल गया। 20,265 रुपया ईएमआई जाता है। तो ये इन्होंने खेल शुरू कर दिया। अब दूसरे बंदे ने, वो जो 5 हज़ार का रेंट जाता था, सब मिला के 30 हज़ार रुपये खर्च होता था, वैसे अपना जीवन यापन करते रहे, और 20 हज़ार रुपया जो पर मंथ बचा उनको कहीं से मिल गया, किसी ने बता दिया कि एसआईपी करना चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेट किए खुद से, बोले कि भाई हम ऐसे जीवन चलते रहेंगे और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। 20 हज़ार रुपये पर मंथ वो एसबीआई के सारे म्यूचुअल फंड में लगा दिए। एक मिड कैप भी ले लिए, एक स्मॉल कैप भी ले लिए, एक ग्लोबल फंड, एक फ्लेक्सी कैप, 5-5 हज़ार रुपया चार फंड में लगा दिए। पिछले 13 साल से वो फंड उनका चलता जा रहा है। यहाँ पे फंड देख लेते हैं कौन कौन सा है। 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ स्मॉल कैप में, मिड कैप में, ग्लोबल फंड में और फ्लेक्सी कैप में। 13 साल पहले से एसआईपी चल रहा है और 5 हज़ार रुपये पर मंथ हर फंड में करते गए। एसबीआई स्मॉल कैप ने 2010 से लेकर 2023 तक 7,80,000 जमा किया दूसरे दोस्त ने, पैसा बनाया 37 लाख रुपया। दूसरे फंड ने, एसबीआई मैग्नम मिड कैप ने 7,80,000 जमा, यहाँ भी हुआ, दूसरे फंड ने बनाया 27 लाख रुपया। और यहाँ पे आता है मैग्नम ग्लोबल फंड, यहाँ पे भी 7,80,000 जमा किया, यहाँ पे बनाया 21,80,000 रुपया। और लास्ट का फंड है एसबीआई फ्लेक्सी कैप, यहाँ पे भी 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ 2010 से लेके अब तक जमा हुआ 7,80,000 और पैसा बनाया 20,74,000। तो सबको यहाँ पे अगर जोड़ते हैं, 2010 से शुरू किया, 13 साल बीत गया, तो कितना पैसा टोटल हुआ, 5-5 हज़ार करके चार जगह लगाया, एक ने बनाया 37, दूसरे ने 27, तीसरे ने 21, दूसरे ने 20, 1,05,00,000 रुपये बन गया इनका टोटल। मुझे इस बंदे का फ़ोन आता है कि मुझे फ्लैट खरीदना है, तो बताइए कौन सा खरीदूँ, ब्रांडेड खरीदूँ, नया एकदम खरीदूँ, चकाचक वाला, या पुराने में जाऊँ। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि पुराने फ्लैट में आपको जाना चाहिए। यदि आप गांव में रहते हैं तो ज़मीन जल्दी से खरीदिए, जल्दी से घर बना लीजिए, इज्जत का बात है, प्रतिष्ठा की बात है। शहर में ये इज्जत प्रतिष्ठा आपको कोई नहीं देखने वाला है, पैसा चाहिए, पैसा है तभी कोई बुलाएगा, नहीं तो नहीं बुलाएगा। गाँव में ऐसा नहीं है, गांव में इज्जत प्रतिष्ठा है तो घर अपना होना चाहिए। हम भी गांव में होते तो कब का जमीन घर बना के बैठे होते, लेकिन हम शहर में रहते हैं, तो शहर में रहते हैं तो ये सब मायने नहीं रखता है। पैसा आपको चाहिए, पहले जीवन यापन करने के लिए आप अपना पैसा एक्युमुलेट कर लीजिए। इस बंदे ने कर लिया। तो मेरा कहना है कि आपको शहर में अगर रहते हैं तो फ्लैट सोसाइटी में लीजिए, जमीन खरीद के बनाना नहीं है। सोसाइटी में रहने का एक मज़ा अलग है। अब यहाँ पे आप चालबाजी करेंगे कि अपना जमीन होगा तो उसके ऊपर भी घर बना देंगे, रेंट लगा देंगे, नीचे का कमरा भी रेंट पे लगा देंगे, ये सब चालबाजी है। आप अपने घर से भी पैसा अर्जित करना चाहते हैं, मतलब इस तरह से हुआ कि पेरेंट्स से भी पैसा कमाना चाहते हैं। घर घर हो गया, अनमोल हो गया, अब उससे कमाने का नहीं सोचना है। हम जब घर खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, तो उससे कमाने के लिए नहीं सोचेंगे, तो यहाँ भी नहीं सोचना चाहिए। तो उतना पैसा एक्युमुलेट कर लीजिए कि ये सब चालबाजी नहीं करना पड़े। तो इसके लिए पुराने सोसाइटी में जाएंगे तो बिल्डर का वो तामझाम सब हट जाएगा, सोसाइटी हैंडओवर हो जाएगा। अगर किसी ने 50 लाख का फ्लैट लिया है, वो 60-70-80 में भी बेचेंगे, 10 साल 12 साल के बाद उनको लगा कि बहुत मुनाफा हो गया। जबकि नए में जाएंगे तो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ में लगेगा फ्लैट, 50 लाख में अच्छे शहर में आपको ठीक ठाक फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन ब्रांडेड में जाएंगे, नया में जाएंगे एकदम, तो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ इस तरह से जाएगा। तो पुराने 10 साल 15 साल पुराना अगर फ्लैट है तो वहाँ उस पर जाना चाहिए। फिर यहाँ पे 90% लोग बोलेंगे ये क्या सलाह दे रहे हैं, अपना घर अपना जमीन अपना होता है, ये फ्लैट का कोई ज़िंदगी है? मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, आप जहाँ भी रह रहे हैं शहर में घर बना करके वहाँ रह रहे हैं, एक फ्लैट आपको अगल बगल के सोसाइटी में फ्री में दे दिया जाए,
फिर सोचिए आप कहाँ रहेंगे। मजाक नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको ये ऑप्शन दे दिया जाए कि फ्लैट फ्री में मिल रहा है, वो अपना घर द्वार जो बना कर रखे हैं सपनों का शहर, वहाँ से निकलेंगे और उस फ्लैट में चले जाएंगे। फ्लैट का, सोसाइटी का रहन सहन ही अलग होता है, हवा पानी धूप ही अलग होता है। आप घर देखिए शहर में कैसे है, एक एक करके एक एक करके, कहीं पेड़ पौधे का दर्शन नहीं मिलेगा। सोसाइटी में एटलीस्ट थोड़ा बहुत पेड़ पौधा आपको मिल जाएगा, तभी क्लियरेंस मिलता है फ्लैट बनाने के लिए, और हवा पानी का भी अच्छा खासा प्रावधान होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब रहना है ना, तो ये खोपड़ी में चालबाजी पैसे का नहीं सोचना है। जब आपको कोई फ्री में ऑफर कर देना तो यही बोलेंगे चलते हैं सोसाइटी में रहेंगे, वहाँ मजे करेंगे, वहाँ से निकल के चले जाएंगे, क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है। अगर 50 लाख रुपये लग ही जाता है तो क्या है, किसी ने इतना पैसा बनाया है जो 50 लाख रुपया झोंक के अपना जिंदगी मजे में जीना चाह रहे हैं। तो इस तरह से मैं बोलता हूँ, कोई 10 साल 15 साल 20 साल पुराना सोसाइटी है उसमें फ्लैट खरीदिए, आप अपने कैपेसिटी में खरीद पाएंगे। नए में जाएंगे फिर आपको 20 साल मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके उतना ऊपर पैसा हो पाएगा कि आप नए में खरीद पाएंगे। वो सोसाइटी का बिल्डर का बहुत तामझाम है, बहुत सारा पैसा झोंका जाता है, तब जाके आपको एक नया फ्लैट मिलता है। तो 50 लाख का फ्लैट उन्होंने खरीद लिया और शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं 10 साल और 12 साल के, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब 13 साल बीतने के बाद पहला दोस्त जो है, 7 साल उनका ईएमआई और बचा है बेचारे का, अभी प्लॉट है घर नहीं बना है। अब सपनों का घर उनको बनाना है, थोड़ा थोड़ा पेमेंट भी बढ़ गया है, तो 30 लाख का फिर से लोन लेते हैं। अब लोन जब लेते हैं ना तो कहते हैं कि जमीन तो हमको फ्री में मिला, अरे जमीन में हम पैसा कहाँ लगाए, हमको तो बैंक ने पैसा दिया, हम कितना देते थे 20-20 हज़ार रुपये पर मंथ, हमको तो 21 लाख का प्लॉट मिल गया, एकदम बर्फी साइज का टुकड़ा का प्लॉट, प्लॉट सोना उगलता है भाई, इतना अच्छा प्लॉट है, फ्री में मिला, 20 हज़ार का कोई मुराद है, अब 21 लाख का प्लॉट मिल गया। अब फिर घर बनाने में भी वही बोल रहे हैं, घर हम क्यों बनाएंगे, बैंक दे रहा है फ्री में लोन, फ्री में दे दिया, अब यहाँ पर भी ईएमआई चलेगा आने वाले 20 साल तक, 15-16 हज़ार रुपया ईएमआई यहाँ भी चलेगा, अब यहाँ भी 30-35 हज़ार का ईएमआई आने वाले 20 साल तक चलेगा। अब दूसरा दोस्त जो है, जो लगभग 1 करोड़ पाए बना लिए म्यूचुअल फंड से और 50 लाख रुपया का फ्लैट खरीदा और 50 लाख रुपया उनके पास बचा हुआ है, ऑफिस में एक दिन बोलते हैं कि सर अपना घर खरीद लिया हूँ, बहुत से बोल रहे हैं सर अपना घर खरीद लिया हूँ, अब ऑफिस से काम नहीं कर पाऊँगा, वर्क फ्रॉम होम करूँगा, 31 तारीख तक बता दीजिए काम करना है या नहीं करना है। ये होता है कॉन्फिडेंस पैसे का, मात्र 50 लाख रुपये बचा हुआ है, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, अपने हिसाब से काम करना है, या न कि किसी ने मुंडी मचोर दिया है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, तड़पड़ा रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। अब ये जो बंदा है पहला वाला, एक ब्रांड न्यू कार खरीदते हैं, कार खरीदा, कार भी फ्री में मिला, पैसा तो कोई और दे रहा है, इनको मात्र 15 हज़ार ईएमआई देना है, खरीद लिया। अब जो पहले 6 बजे घर आते थे, अभी इस बेचारे को 8 बजे घर आना पड़ता है, नहीं कर पा रहे, उतने में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और गाड़ी जो है 80 के स्पीड में चला रहे हैं। ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, छोटा छोटा सा शुगर और बीपी का मेडिसिन भी शुरू हो जाता है। और दूसरा वाला जो दोस्त है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, 90% लोगों का यही कहानी है, 10% लोग ऐसे होते हैं ना जो वर्क फ्रॉम होम हमारे जैसे करते हैं, धूप में सोना है सोएंगे धूप में मस्ती से, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बाद बैडमिंटन खेल रहे हैं, दिन और डेट उनको याद नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं रहता है। जो व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिया ना उनको दिन और डेट याद नहीं रहेगा, ठीक यही बात रिटायर जो बंदा कर गए उनके साथ भी होता है, और अनायास ही किसी से पूछेंगे भाई आज दिन कौन सा है, रिटायर व्यक्ति ऐसे पूछते हैं भाई आज दिन कौन सा है, तारीख कौन सा है बताइए, घड़ी देख के मोबाइल देख के तारीख कौन सा है, उनको तारीख याद ही नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं रहता है, क्या जरूरत है, कहीं जाना तो है ही नहीं। तो जो बंदा घर से काम करे उनको कुछ नहीं मतलब है दिन दुनिया का, अपने मस्ती में अपने चाल से वो चलते जा रहे हैं। अब यदि इस 10% में आना है तो एक कैलकुलेशन करना है, वो कैलकुलेशन इस तरह से है कि आप क्या सोचते हैं कि 50 लाख का एक प्लॉट ले लूँगा या फ्लैट ले लूँगा तो 20 साल में तो अरबपति बन ही जाऊँगा, कैसे बनेंगे अरबपति, ये कैलकुलेशन करना है। यहाँ वन टाइम में हमने लमसम में 50 लाख रुपया लिखा, और 20 साल के लिए यदि 15% का रिटर्न मिलता है तो 8 करोड़ 18 लाख रुपया होता है। क्या आपने सोचा है कि जो प्लॉट और फ्लैट लिया है वो 8 करोड़ का हो जाएगा, सोचा होगा 1-2 करोड़ 3 करोड़ का हो जाएगा, 8 करोड़ का नहीं सोचा होगा। अब यदि ये 12% भी रिटर्न मिले तो हो जाता है 50 लाख का वैल्यू वन टाइम का 4 करोड़ 82 लाख रुपया,
और यदि पैसा आप ये बैंक पोस्ट ऑफिस में सेफ सेफर रखते हैं कहीं पे, 7% के रेट से पैसा बनता है 1,93,00,000 रुपया। लेकिन यदि ये पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो तो 12% के भी रेट से 4,82,00,000 रुपया होता है, और मिड कैप स्मॉल कैप में पड़ा हो लंबे समय के लिए तो ये पैसा बन जाता है 8,18,00,000 रुपया। तो इस तरह से कैलकुलेट करना है खुद से, ये नहीं कि प्लॉट ले लिया तो 10 करोड़ का हो जाएगा, 20 करोड़ का हो जाएगा, कैसे होगा, समय और परसेंटेज दोनों दीजिए और चेक कीजिए। बाकी आपने SIP का परफॉर्मेंस आपने पहले देख ही लिया है, 5,000 ने क्या किया है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एसेट प्लस ऐप है जहाँ पे आप मिनिमम 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।